व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अराउंड एक डेढ़ महीना दिल्ली में स्पेंड करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ वापस यूरोप। मेरी यहाँ से पहले दोहा की फ़्लाइट है दिल्ली से, देन दोहा से जर्मनी बर्लिन की, एंड अराउंड 8 घंटे का लेओवर है मेरा दोहा में। तो देखते हैं कि अगर दोहा में मैं बाहर जा पाता हूँ तो थोड़ा बहुत खुद भी दोहा घूमूंगा एंड आप लोगों को भी घुमाऊँगा। जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा था उसमें तो ये दिखा रहा था कि दोहा में अभी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हो तो भी आपको 2 दिन का क्वारंटीन करना है। तो आई थिंक शायद पॉसिबल ना हो बाहर जाना, वो वहीं जाके पता लगेगा। बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा तो मैं 8 घंटे क्या करूँगा। एंड इसके अलावा मुझे कोई फ़्लाइट भी नहीं मिली क्योंकि इस वक्त यूरोप की फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो मेरी विस्तारा की फ़्लाइट थी जिससे मैं दिल्ली आया था, मैं उससे भी ट्रैवल नहीं कर पाया क्योंकि मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं दिल्ली में सिर्फ 26 अगस्त तक रुकूँगा, बट वो मैंने एक्सटेंड करके 6 सितंबर तक करा दिया था। तो विस्तारा वाली फ़्लाइट मेरी एक्सटेंड नहीं हो पाई, तो मैंने नई फ़्लाइट कराई कतार एयरवेज़ की जर्मनी की। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी यूरोप की हर जगह की फ़्लाइट, तो मुझे जो मेरा बेस्ट ऑप्शन था वही चूज़ करना पड़ा। एंड इसमें 8 घंटे का लेओवर है, तो अगर मैं बाहर जा पाया तो टाइम पास हो जाएगा, वरना एयरपोर्ट पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इवन दो जो कतर का एयरपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई थिंक मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी था। बट एयरपोर्ट कितना भी अच्छा हो बंदा फिर भी बोर हो ही जाता है। एंड यहाँ दिल्ली से मेरी 1 घंटे में फ़्लाइट है, इतने मैंने एक आइस अमेरिकानो लिया है। बहुत टाइम बाद कॉफ़ी पी, क्योंकि घर पर तो चाय चल रही थी, सब चाय पीते हैं घर पर, कोई कॉफ़ी नहीं पीता। बट बाहर ये है कि चाय हर जगह नहीं मिलती, इसीलिए मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो सबसे पहले दोहा चलते हैं। अगर दोहा में बाहर जाने का सीन बना तो मैं आप लोगों को दोहा थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, वरना बर्लिन तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, क्योंकि मेरे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे बर्लिन में, क्योंकि मुझे बस लेनी है बर्लिन से व्रॉत्सोव तक की। एंड बहुत ही सुंदर एंड अच्छी सिटी है बर्लिन, कैपिटल है जर्मनी की। मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो लिंक यहाँ पर आ रही होगी। एंड गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया लद्दाख सीरीज़ पर। वो मैं अपनी फैमिली को लेकर गया था, एक मेरे से गलती हो गई कि मैंने फैमिली को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं कराया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा ऑकवर्ड था फैमिली के सामने, मैंने कभी भी घर वालों के साथ ब्लॉगिंग नहीं करी थी, तो मुझे खुद थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, वरना मैं सबको इंट्रोड्यूस करा था। बट बहुत ही जल्दी मैं अपनी पूरी फैमिली को दुबई लेके जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग वेरोनिका, तो वो एक पूरी फैमिली दुबई सीरीज़ होगी, उसमें मैं ढंग से सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड पूरी फैमिली से आप लोगों को मिलवाऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सीरीज़। अभी चलते हैं दोहा एंड स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइज आई फाइनली लैंडेड एट दी दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अराइवल्स पे जाके देखता हूँ कि क्या सीन होता है, कि यहाँ पे बाहर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने देखा था कि अगर इंडिया से आप आ रहे हो तो 2 दिन का क्वारंटीन करना ज़रूरी है। बट फिर भी एक बार अराइवल से कंफर्म कर लेता हूँ मैं जाके। तो अराइवल डेस्क पे तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपको कतार के अंदर एंटर करना था तो पहले से ही 12 घंटे पहले प्री अप्रूवल लेना ज़रूरी है, एंड उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अब मैं बाहर तो नहीं जा सकता, वो तो इम्पॉसिबल है, तो एयरपोर्ट पर कोई टाइम पास ढूंढ रहा हूँ लॉन्च वगैरह, क्योंकि इस हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारे लॉन्च वगैरह हैं जहाँ पर आप जाके रिलैक्स कर सकते हो। इवन एक होटल भी है, ऑनलाइन तो वो होटल बंद दिखा रहा था, अब जाके देखता हूँ कि अगर खुला है तो एक रूम लेता हूँ होटल में, वरना लॉन्च में ही टाइम काटना पड़ेगा किसी तरह 8 घंटे। दिल्ली से जो यहाँ दोहा की फ़्लाइट थी वो मतलब बिल्कुल पैक थी, इतने टाइम बाद कोई इतनी फुल फ्लाइट देखी थी, एक एक सीट भरी हुई थी। एंड ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इतना चलना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ इस एयरपोर्ट की, पिछली बार भी दिखाई थी जब मैं इस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, काफ़ी बार मैंने यहाँ से ट्रांजिट किया। यहाँ पर इन्होंने इवन एयरपोर्ट पर पूरा चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया एंड इंटरनेट के लिए आईमैक्स तक लगाए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे ऐसे चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया हैं क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, एंड जगह जगह इन्होंने ये आईमैक्स रखे हुए हैं ताकि आप इंटरनेट सर्व कर सको अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है खुद का। एंड इतना बिजी है इस वक्त एयरपोर्ट, आप भीड़ देखो। एंड जैसे दुबई सुपरकार्स के लिए बहुत फेमस है, दोहा में भी बहुत ज़्यादा सुपरकार चलती हैं। इन्होंने एयरपोर्ट पे भी लैम्बोर्गिनी हरिकेन खड़ी करी हुई है, आई थिंक कोई लॉटरी वॉटरी चल रही है उसके लिए। मैंने एग्जैक्टली यही सेम लैम्बोर्गिनी चलाई थी दुबई में, लैम्बोर्गिनी हरिकेन ईवो, बस वो रेड कलर में थी। तो एयरपोर्ट का जो होटल था उसमें तो कोई भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, सिर्फ फैमिली रूम थे, एंड वो अराउंड 30,000 रुपये के पड़ रहे थे मुझे सिर्फ 7-8 घंटे के लिए, तो उसका तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं था। एंड इस वक्त लाउंज भी बिल्कुल फुल है, किस्मत ही ख़राब है, लाउंज भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे बाद आना। उन्होंने मुझे एक और जगह बताई है, यहाँ पे स्लीप एंड फ्लाई है जहाँ स्लीपिंग पॉड्स बने हुए हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ चेक करने अगर वहाँ कुछ मिलता है तो। अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता तो फिर तो नॉर्मली बैठना पड़ेगा 7-8 घंटे, ड्यूटी फ्री वगैरह एक्सप्लोर करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा फिर पूरा एयरपोर्ट डिटेल में, क्योंकि और तो कुछ करने के लिए होगा नहीं यहाँ एयरपोर्ट पर। अभी मैं ढूंढता हूँ स्लीप एंड फ्लाई। इस एयरपोर्ट पे इन्होंने ड्यूटी फ्री अलग ही बनाया हुआ है, मतलब ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, एक से एक ब्रांड है, पूरा मॉल ही लगता है एयरपोर्ट का। तो फाइनली स्लीपिंग पॉड मिल गया है यहाँ स्लीप एंड फ्लाई पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे इन लोगों ने पॉड बनाए हुए हैं, तो यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप आराम से 6-7 घंटे सो सकते हो। मैंने 5 घंटे के लिए लिया है, इसके मैंने पे करे 315
कतरी रियाल जो ऑलमोस्ट 6000 रुपये होते हैं 5 घंटे के लिए। ये फिर भी वर्थ इट है अगर आपका बहुत लंबा ले ओवर है जैसे मेरा है और आपको आराम से सोना है थोड़ी देर। तो मैं आपको ये पूरा स्लीपिंग पॉड दिखाता हूँ। ये जैसे एयरलाइन की फर्स्ट क्लास सीट होती है बिल्कुल, बस उसको एक स्लीपिंग पॉड में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर सारे बटन है, मैंने इसको भी सीट बना लिया था। आप इसको पूरा बेड बना सकते हो। तो जैसे एयरलाइन की फर्स्ट क्लास सीट होती है बस वही इन्होंने लगा रखी है एज अ बेड। सो गाइज अब मैं करूंगा थोड़ी देर रेस्ट एंड सुबह आपको ये पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगा। सो गाइज इज द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ। 4-5 घंटे सही नींद आ गई इस पॉड में। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में एयरपोर्ट पे सोया हूँ तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। एंड रात को एयरपोर्ट इतना ज़्यादा भरा हुआ था एंड सुबह सुबह बिल्कुल खाली पड़ा है। अब सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो रात को ही होती हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने लिए कॉफ़ी, अराउंड 30-40 मिनट यहाँ बैठूंगा। तो ये स्लीपिंग पॉड्स की फैसिलिटी हर एयरपोर्ट पे होनी चाहिए, इससे कम से कम टाइम पास हो गया। वरना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं 6-7 घंटे क्या करता। अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं फ्लाइट में, तो थोड़ा बहुत एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और फिर फाइनली चलते हैं बर्लिन। मैंने आपको विस्तारा का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाया था। मुझे 2 एयरलाइंस का इंफोटेनमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा पसंद है, एक विस्तारा और दूसरी कतार एयरवेज। इनमें मूवी का सिलेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं बॉलीवुड पे जाऊँ तो। मतलब कितनी भी लंबी फ्लाइट हो बिल्कुल भी बोर होने वाली बात नहीं है, आराम से आप मूवी देख सकते हो। एंड बॉलीवुड तो फिर भी कम है, अगर आप हॉलीवुड में जाओ तो आपके पास अनलिमिटेड सिलेक्शन है मूवीज़ का। फ्लाइट बिल्कुल ब्रॉड्सवो पोलैंड के ऊपर से ही जा रही है बर्लिन तक एंड मुझे बर्लिन से वापस आना पड़ेगा यहीं पे 5 घंटे की बस लेके। यहाँ जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन होती है, मतलब मुझे हमेशा 1 मिनट लगता है सिर्फ। वो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते, सिर्फ रेजिडेंस कार्ड लेके 1 सेकंड में स्कैन करके जाने देते हैं। एंड ये जो एयरपोर्ट है बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट, ये जर्मनी का मेन एयरपोर्ट नहीं है। मेन एयरपोर्ट है इनके फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिक पे, क्योंकि वहाँ से लुफ्तांजा ऑपरेट करती है। ये काफ़ी छोटा है उनके कंपैरिजन में एंड सिटी से काफ़ी दूर भी है, अराउंड 30 मिनट आई थिंक दूर है सिटी से। तो लगेज कलेक्ट करके अब सिटी के सेंटर पे जाना है क्योंकि बस स्टेशन बिल्कुल सेंटर में है जहाँ से मेरी बस है। बट अराउंड 4-5 घंटे हैं मेरे पास। तो जर्मनी की जो सबसे फेमस कार रेंटल कंपनी है सिक्स, उन्होंने यहाँ 2 गोल्डन BMW खड़ी करी हुई है, पता नहीं क्यों। मैंने भी काफ़ी बार रेंट करी है सिक्स से, ऑलमोस्ट हमेशा सबसे ज़्यादा ही प्राइस होते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा सिक्स से गाड़ी रेंट करना, हमेशा आपको हाई प्राइस मिलेगा। एंड अब मुझे ट्रेन ढूंढनी है जो इंटरसिटी यहाँ से एयरपोर्ट से सेंटर तक ट्रेन जाएगी। बर्लिन का जो सेंटर है उसका नाम है अलेक्जेंडर प्लाट्स, सारी चीज़ें उसी के अराउंड लोकेटेड है। तो देखता हूँ ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, क्योंकि यहाँ से ऊबर लेना तो मतलब 15-20 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा सिटी के सेंटर तक, इतनी एक्सपेंसिव है जर्मनी में ऊबर। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट इंटरसिटी मेट्रो, तो उसी की तरफ जाता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत बर्लिन। We're all building castles,
तो यूरोप में ऐसे ट्रेन स्टेशन पे ये लॉकर बने होते हैं जहाँ आप अपना बैगेज स्टोर कर सकते हो अगर आपको कहीं जाना है तो। ये बैगेज मैं स्टोर करता हूँ फिर आपको दिखा के लाता हूँ अलेक्जेंडर प्लाट्स। अब दिक्कत ये है कि लॉकर का रेंट है 6 यूरो और मेरे पास कैश सिर्फ 2.5 यूरो पड़े हैं एंड ये कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करता, तो देखता हूँ कि कॉइन्स कहाँ से मिलेंगे अब। ये तो बड़ी दिक्कत है यार, यहाँ पर कहीं भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अभी भी कार्ड नहीं एक्सेप्ट होते क्योंकि आई थिंक ये बहुत पुराने बने हुए हैं लॉकर्स। तो पहले मुझे ATM से कैश निकलवाना पड़ा एंड फिर एक पानी की बोतल ली है तो जाके चेंज मिले हैं एंड पानी की बोतल पड़ी 3 यूरो की। आई डोंट नो कि यहाँ वेस्टर्न यूरोप में क्या सीन है बट पानी इतना ज़्यादा महंगा है। नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, हर जगह आपको 270 रुपये की बोतल मिलेगी और वो भी छोटी वाली। बट फाइनली अब लगेज सारा रख दिया है। बहुत ही बढ़िया वेदर हुआ हुआ है इस वक्त, अब जाके फाइनली अच्छा लग रहा है। 18 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए एंड सितंबर बहुत परफेक्ट टाइम होता है यूरोप घूमने का, ना ठंड होती है ना गर्मी, अराउंड 20 डिग्री होगा टेम्परेचर। रात को थोड़ी सी ठंड होती है, बस एक पतली सी जैकेट पहनने लायक। उसके अलावा बहुत ही प्लेजेंट मौसम है इस वक्त यहाँ जर्मनी में, पोलैंड में, अगर आप कहीं भी यूरोप आओ। एंड मेरे पीछे वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है यहाँ का टीवी टावर, उसके आप ऊपर जा सकते हो। बहुत ही अच्छा व्यू होता है पूरे बर्लिन का 360 डिग्री। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद यूरोप वापस आके। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अब आपको यूरोप में कोई मास्क वगैरह नहीं पहनना, तो बहुत ही फ्री लग रहा है। मास्क लगा लगा के हालत ख़राब हो गई थी 18 घंटे। एंड अलेक्जेंडर प्लाट्स पे तो सिर्फ एक यही देखने लायक चीज़ है जो ये टीवी टावर है, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। बट पास में एक बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है यहाँ बर्लिन का, मैं आपको वो दिखा के लाता हूँ। मैं नाम भूल गया उसका। जर्मनी आने का मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम है अक्टूबर में क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर फेस्ट होता है स्पेशली म्यूनिक में। उस टाइम पे अलग ही माहौल होता है पूरी सिटी में। लास्ट ईयर तो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, इस साल देखो होता ही नहीं होता। अगर इस साल कैंसिल नहीं हुआ तो मैं ज़रूर म्यूनिक जाके आपको यहाँ का अक्टूबर फेस्ट दिखाऊँगा, बहुत ही देखने लायक चीज़ है वो। एंड वैसे तो बर्लिन में हद से ज़्यादा चीज़ें हैं घूमने की, जैसे ब्रैंडनबर्ग टॉर, बर्लिन वॉल, बट अभी तो मैं सारी जगह नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं यहाँ पर। तो ब्रैंडनबर्ग गेट के लिए 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से एंड उसी के पास एक और बहुत फेमस यहाँ की अट्रैक्शन है, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा के लाता हूँ। और ये है ब्रैंडनबर्ग टॉर या फिर ब्रैंडनबर्ग गेट एंड इसके आगे लाइव शोज वगैरह होते रहते हैं, लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। ये कुछ लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं डांस शो। तो यहाँ जर्मनी की जो अफगान कम्युनिटी है वो पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिबान के लिए। बहुत ही बड़ी अफगान कम्युनिटी है यहाँ जर्मनी में। तो ये है मेरे पीछे ब्रैंडनबर्ग गेट। इसे ब्रैंडनबर्ग गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ से, इस गेट से ब्रैंडनबर्ग सिटी तक की रोड जाती थी एंड इसके बिल्कुल सामने इन्होंने यहाँ पर अपना विक्ट्री कॉलम बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर करी हुई अपने बर्लिन के ब्लॉग में। मैं सर्दियों में यहाँ पर आया था उस वक्त, बट जर्मनी फुल लॉकडाउन में था तो सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा था, बट अब फाइनली सब कुछ बैक टू नॉर्मल है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो होटल है एडलॉन कैंपिंस्की, ये पूरे बर्लिन का सबसे एक्सपेंसिव होटल है बिल्कुल ब्रैंडनबर्ग गेट के साथ में। एंड ब्रैंडनबर्ग गेट के बहुत ही पास एक और इनका बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, राइस्टैग बिल्डिंग। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रॉब्ली मैं गलती प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट वो भी मैं आपको दिखा के लाता हूँ। सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक है यहाँ से। ये है बर्लिन की राइक्सटैग बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था एंड ये पूरा एरिया इतना ज़्यादा साफ रहता है, आपको रोडें यहाँ पर बिल्कुल चमकती मिलेंगी। जर्मनी में हर वक्त ऐसी गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो बिल्कुल रोड चमका के रखती हैं, यहाँ पे आपको एक धूल का तिनका भी नहीं मिलेगा। एंड अब सिर्फ 1 घंटे में बस है तो अलेक्जेंडर प्लाट्स जाके अपना लगेज कलेक्ट करता हूँ, फिर बस स्टेशन भी जाना है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी क्योंकि इतना ही टाइम था मेरे पास, बट पोलैंड जाने से पहले आपको यहाँ की करी ज़रूर दिखाऊंगा। वो एक ऐसी चीज़ है अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ज़रूर ट्राई करना है, यहाँ जर्मनी में हर सिटी में आपको मिलेगी बट बर्लिन की सबसे ज़्यादा फेमस होती है। You don't know, it's not fair. All you know, it's
सो ये होती है करी, उस सॉसेज के ऊपर बहुत ही टेस्टी करी एंड मसाला डाल के देते हैं एंड साथ में फ्राइज केचप एंड मेयोनेज के साथ एंड एक आइस टी लिया मैंने। आपको ये जर्मनी की हर सिटी में मिलेगी बट बर्लिन में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, तो मैंने कहा जाते जाते आपको एक ट्रेडिशनल डिश यहाँ की ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सबसे मेजर बस ऑपरेटिंग कंपनी है उसका नाम है फ्लिक्सबस, वो इंटर कंट्री एंड विद इन यूरोप चलती है, मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी कहीं भी जा सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैं हमेशा फ्लिक्सबस में ही जाता हूँ अगर मुझे बस करानी होती है। तो बर्लिन से मेरी फ्लिक्सबस है व्रॉत्सोव की अराउंड 4-4.5 घंटे की। तो अब पोलैंड के बहुत सारे ब्लॉग आएंगे एंड वेरोनिका विल बी बैक इन द ब्लॉग्स, सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।